नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल किसान टेक पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप क्वालिटी के 10 फंगीसाइड के बारे में, जो न केवल ब्रांडेड कंपनी के हैं बल्कि रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। यदि आपकी फसल में फंगस की बीमारी आती है तो आप इन फंगीसाइड का उपयोग ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड, बायर कंपनी का सेक्टिन फंगीसाइड, सिजेंटा कंपनी का कवच फंगीसाइड, एक्सेल का स्वाधीन फंगीसाइड, BSF का कैबरियो टॉप फंगीसाइड, बायर कंपनी का फालिक्योर फंगीसाइड, सिजेंटा कंपनी का टिल्ट फंगीसाइड, BSF का ओपेरा फंगीसाइड, अदमा का कस्टोडिया फंगीसाइड और बायर कंपनी का नेटिव फंगीसाइड के बारे में बताएंगे। और साथ ही जानेंगे हम इसका डोज, प्राइस, मात्रा, रिजल्ट, समय के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और डिटेल वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगी बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको खेती से जुड़ी जानकारी की खबर मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं UPL के साफ फंगीसाइड के बारे में। तो किसान भाइयों, इससे आप बीज उपचार भी कर सकते हैं और फंगस कंट्रोल के लिए आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, UPL का जो साफ फंगीसाइड है यह सिस्टमेटिक और कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड है। अब बात कर लेते हैं इसके फार्मुलेशन के बारे में। तो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेनकोजेब 63% WP फॉर्म में आता है। अब बात कर लेते हैं UPL का साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं। तो सभी हरी सब्जियों में, रबी खरीफ की फसलों में और आप बागबानी में इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप इसे बीज उपचार भी कर सकते हैं। सभी फंगस को आसानी से कंट्रोल करता है। UPL के साफ फंगीसाइड के डोज की बात करें तो आपको 15 लीटर पानी में 40 से 50 ग्राम स्प्रे करना चाहिए और प्रति एकड़ के दर से 150 लीटर पानी में 400 से 500 ग्राम स्प्रे कर सकते हैं। आप यदि बीज उपचार करना चाहते हैं तो आप गेहूँ, धान, मटर, चना, सोयाबीन, मूँग, उड़द और सभी प्रकार की बीजों का उपचार कर सकते हैं। एक क्विंटल बीजों को आप 500 ग्राम UPL साफ से उपचारित कर सकते हैं और एक किलोग्राम बीज को आप 4 से 5 ग्राम UPL साफ फंगीसाइड से आप बीज उपचारित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साफ फंगीसाइड के प्राइस के बारे में। तो आपके 1 किलोग्राम का पैक 600 रुपये के लगभग आता है और प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो आपको 300 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आ जाता है। अगर रिजल्ट टाइम की बात करें तो आपको 20 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है। नंबर 2, बायर का सेक्टिन फंगीसाइड। यह एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। तो बात कर लेते हैं इसके फार्मुलेशन के बारे में। तो फेनामिडोन 10% प्लस मेनकोजेब 50% WG फॉर्म में आता है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सेक्टिन फंगीसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से मूंगफली, सोयाबीन, कपास, आलू, अंगूर, खीरा, चना, मूंग और उड़द पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डिजीज कंट्रोल की। तो मुख्य रूप से पाउडर मिल्ड्यू, रस्ट, सीड ब्लाइट को कंट्रोल करता है सेक्टिन फंगीसाइड। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सेक्टिन फंगीसाइड के डोज के बारे में। तो आपको 15 लीटर पानी में 10 ग्राम स्प्रे करना चाहिए और प्रति एकड़ के दर से 150 लीटर पानी में 100 से 150 ग्राम स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्टिन फंगीसाइड के प्राइस के बारे में। तो आपको 600 ग्राम का पैक 1400 से 1450 रुपये के लगभग मार्केट में मिल जाएगा। कीमत थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो आपको 250 से 300 रुपये के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आ जाता है। बात कर लेते हैं रिजल्ट समय की। तो आपको 20 से 22 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है बायर कंपनी के सेक्टिन फंगीसाइड से। नंबर 3, सिजेंटा कंपनी का कवच फंगीसाइड। किसान भाइयों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड है। तो बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें जो कंटेंट है क्लोरथालोनील 75% WP फॉर्म में आता है, यानी पाउडर फॉर्म में आता है। बात कर लेते हैं कवच फंगीसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं। तो सब्जी वर्गीय फसलों में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ रबी खरीफ की फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात कर लेते कवच फंगीसाइड कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है। तो मुख्य रूप से यह रस्ट, सीड ब्लाइट को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों, बात कर रहे थे कवच फंगीसाइड के डोज के बारे में। तो आपको 15 लीटर पानी में 35 से 40 ml स्प्रे करना चाहिए और प्रति एकड़ के दर से 150 लीटर पानी में 300 से 400 ग्राम छिड़काव करना चाहिए। बात कर लेते कवच फंगीसाइड के प्राइस के बारे में। तो आपको 100 ग्राम का पैक 130 रुपये में और 250 ग्राम का पैक 300 रुपये में आ जाता है। कीमत थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी सस्ता है। अगर रिजल्ट टाइम की बात करें तो आपको 18 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं प्रति एकड़ खर्च की। तो आपको 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आ जाता है। नंबर 4, एक्सेल का स्वाधीन फंगीसाइड। किसान भाइयों, यह कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। तो बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। किसान भाइयों, इसमें जो कंटेंट है टेबुकोनोजल 10% प्लस सल्फर 65% WG फॉर्म में आता है। अब बात कर लेते हैं स्वाधीन फंगीसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से धान, कपास, गेहूँ, सोयाबीन, अरहर, मूँगफली, चना, मूँग, उड़द, अंगूर, सेब, अनार, संतरा, खीरा, करेला, टमाटर, मिर्च और आप गन्ना पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं फंगस कंट्रोल की। तो मुख्य रूप से ब्लास्ट, रस्ट, सीड ब्लाइट, पाउडर मिल्ड्यू और आप इसको फंगस कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी फसलों में सल्फर का बहुत ज़्यादा महत्व है। सल्फर खाद, फंगीसाइड, कीटनाशक का भी और टॉनिक का भी काम करता है।
तो किसान भाइयों, सल्फर के बहुत फायदे हमारे फसलों में हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं स्वाधीन फंगिसाइड के डोज के बारे में। तो आपको 15 लीटर पानी में 40 से 50 ग्राम स्प्रे करना चाहिए और प्रति एकड़ के दर से 150 लीटर पानी में 400 से 500 ग्राम छिड़काव करना चाहिए। बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो आपको 1 किलोग्राम का पैक 600 से 700 रुपये के लगभग मार्केट में मिल जाएगा। अगर रिजल्ट टाइम की बात करें तो आपको 20 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है। प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो आपको 300 रुपये के लगभग आ जाता है। नंबर 5, BSF का कैब्रियो टॉप फंगिसाइड। यह कॉन्टैक्ट और प्रोटेक्टिव फंगिसाइड है। बात कर लेते इसके फार्मुलेशन के बारे में। तो इसका जो फार्मुलेशन है, मेथिराम 55% प्लस पायरोक्लास्ट्रोबिन 5% WG फॉर्म में आता है। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो सभी प्रकार के फंगस को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। बात कर लेते कैब्रियो फंगिसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं। तो कपास, धान, मूंगफली, गेहूँ, चना, अरहर, प्याज, करेला, खीरा, बैंगन, अंगूर, पपीता, केला, सीताफल, मिर्च और टमाटर पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते कैब्रियो टॉप फंगिसाइड के डोज के बारे में। तो आपको 15 लीटर पानी में 35 से 40 ग्राम स्प्रे करना चाहिए और प्रति एकड़ के दर से 150 लीटर पानी में 400 ग्राम छिड़काव करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। अगर रिजल्ट टाइम की बात करें तो आपको 22 से 24 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर कैब्रियो फंगिसाइड के प्राइस की बात करें तो आपको 1 किलोग्राम का पैक 1800 से 1900 रुपये के आसपास आ जाता है। कीमत थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो आपको 700 से 800 रुपये के लगभग आ जाता है। इसको भी आप किसी भी कीटनाशक दवाई के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 6, बायर कंपनी का फालिक्यूर फंगिसाइड, जो कि बायर कंपनी का बहुत ही बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। फालिक्यूर के टेक्निकल की बात करें तो इसमें जो टेक्निकल है, टेबुकोनाजॉल 25.9% WW फॉर्म में होता है। फालिक्यूर क्या है? तो फालिक्यूर में जो टेबुकोनाजॉल एक सिस्टमेटिक ट्राइजोल कवकनाशी है। ट्राइजोल दुनिया भर में कवकनाशी का पॉपुलर रसायन है। फालिक्यूर फंगिसाइड को कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है? तो मुख्य रूप से सीड ब्लाइट, पाउडरी मेल्डू को कंट्रोल करता है। इसका उपयोग कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं? तो मुख्य रूप से सोयाबीन, चना, गन्ना, गेहूँ, मिर्ची, टमाटर, मूंगफली, प्याज और आदि फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आपको फंगस की बीमारी दिखे। अब बात कर लेते हैं फालिक्यूर के प्राइस की। तो आपको 1 लीटर का फालिक्यूर आपको 2200 रुपये के लगभग मार्केट में मिल जाएगा। कीमत थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। इसके डोज के बारे में बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। अगर रिजल्ट टाइम की बात करें तो आपको 15 से 18 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है। नंबर 7, टिल्ट फंगिसाइड, जो कि सिजेंटा कंपनी का बहुत ही अच्छा ब्रांड है। टिल्ट फंगिसाइड के टेक्निकल की बात करें तो आपको इसमें जो टेक्निकल है, प्रोपिकोनाजॉल 25% EC फॉर्म में होता है। यह एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। टिल्ट फंगिसाइड कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है? तो मुख्य रूप से टिक्का रोग, ब्लास्ट, भभूतिया, रस, सीड ब्लाइट आदि फंगस की बीमारी को कंट्रोल करता है। टिल्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं? तो मुख्य रूप से सोयाबीन, धान, मूंगफली, चना, गेहूं, मिर्ची, टमाटर और अन्य फसलों पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो आपको 200 ml प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। टिल्ट फंगिसाइड के प्राइस की बात करें तो आपको 1 लीटर का पैक 1200 रुपये के लगभग बाजार में मिल जाएगा। वहीं इसके रिजल्ट समय की बात करें तो आपको 15 से 20 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है। नंबर 8, ओपेरा फंगिसाइड, जो कि BSF कंपनी का बहुत ही बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। इसके टेक्निकल नाम की बात करें तो इसमें जो टेक्निकल है, पायरोक्लोस्ट्रोबिन 13.3% और साथ में इपॉक्सी कोनाजॉल 5% SC फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं इसके कार्यविधि की। तो यह कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। अब बात करते हैं ओपेरा फंगिसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से सोयाबीन, गेहूँ, चना, मूँग, उड़द, मिर्च, गन्ना आदि फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें फंगस की समस्या दिखे। अब बात करते हैं यह कौन से फंगस को नियंत्रित करता है। तो मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लास्ट, रस्ट और सभी प्रकार के फंगस को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। ओपेरा फंगिसाइड के डोज की बात करें तो आपको 200 ml प्रति एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। वही ओपेरा के प्राइस की बात करें तो आपको 900 ml का पैक 1800 रुपये के लगभग बाजार में मिल जाएगा। तो इसका छिड़काव आप फसल में 2 बार कर सकते हैं। अगर ओपेरा फंगिसाइड के रिजल्ट समय की बात करें तो आपको 15 से 18 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है। नंबर 9, कस्टोडिया फंगिसाइड, जो कि एदमा कंपनी का बहुत ही बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। कस्टोडिया फंगिसाइड के टेक्निकल की बात करें तो इसमें जो टेक्निकल है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% साथ में टेबुकोनाजॉल 18.3% SC फॉर्म में चलता है। एदमा का कस्टोडिया एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। यह फसल में लगने वाली फंगस की बीमारी को नियंत्रित करता है। यह फंगस की बीमारी को 2 तरीके से मारता है। कस्टोडिया फसल में सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसमें फसल का उत्पादन व गुणवत्ता ज़्यादा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कस्टोडिया कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है। पाउडरी मेल्डू, येलो रस्ट, लीप ब्लाइट, सीड ब्लाइट व कई प्रकार के फंगस को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कस्टोडिया फंगिसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से कपास, धान, सोयाबीन, गेहूँ, चना, उड़द, मूंग, प्याज, टमाटर, आलू, अंगूर और आदि फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं।
वही इसके पैकिंग साइज़ की बात करें तो आपको 50 ml, 100 ml, 250 ml और 500 ml के पैक में मिल जाएगा। कस्टोडिया फंगीसाइड के प्राइस की बात करें तो आपको 250 ml का पैक बाज़ार में आपको 750 या 900 रुपये के आसपास मिल जाएगा। वही इसके डोज की बात करें तो आपको 300 ml प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। वही इसके रिजल्ट समय की बात करें तो आपको 15 से 20 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ सावधानियां है, दवा का छिड़काव करते समय हाथ में दस्ताने और मुंह पर मास्क लगा ले, दवा को बच्चों से दूर रखें। नंबर 10, बायर कंपनी का नेटिव फंगीसाइड। नेटिव फंगीसाइड बायर क्रॉप साइंस का बहुत ही अच्छा ब्रांड है। नेटिव फंगीसाइड के टेक्निकल की बात करें तो इसमें जो टेक्निकल है, टेबुकोनोजाल 50% और साथ में ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में आता है। अब बात करते हैं नेटिव क्या है। नेटिव एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है। अब बात करते हैं नेटिव फंगीसाइड का इस्तेमाल कौन कौन सी क्रॉप में कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से गेहूँ, धान, सोयाबीन, मूंग, उड़द, चना, टमाटर, आम, वही आप सब्जी वर्गीय फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है। तो मुख्य रूप से सीड ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, अर्ली ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू और येलो रस्ट को मुख्य रूप से कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं नेटिव फंगीसाइड के डोज के बारे में। तो आपको 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। नेटिव के प्राइस की बात करें तो आपको 100 ग्राम का पैक 700 से 800 रुपये के लगभग मार्केट में मिल जाएगा। कीमत थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। किसान भाइयों, कुछ सावधानी है, उनको याद रखना जरूरी है। जब आप स्प्रे कर रहे हो तब हाथ में दस्ताने और मुंह में मास्क जरूर रखें। स्प्रे करते वक्त कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। दवा को बच्चों से दूर रखें। तो आज के वीडियो में हमने आपको टॉप क्वालिटी के 10 फंगीसाइड के बारे में बताया है। तो आप इन फंगीसाइड का यूज करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान भाइयों, कैसी लगी वीडियो? वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई समस्या है, सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।